हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे आ की मात्रा के शब्द। हमने अपनी पिछली वीडियो में दो तीन चार अक्षरों के शब्द सीखे और हमने सारी मात्राओं का ज्ञान भी किया कि किसके साथ कौन सी मात्रा हम लगाते हैं तो उसका स्वर कैसा आता है। तो हमने सारे स्वर व्यंजन उनकी मात्राएं अच्छे से देख ली, उनको लगाकर भी हमने सीख लिया। अब हम एक एक करके सारी मात्राओं को अच्छे से सीखेंगे ताकि हम उनको और अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की मात्रा। तो आज हम सीखेंगे सिर्फ अ और आ की मात्रा में आज हम फर्क सीखेंगे। हमें पता है जो भी हमारे व्यंजन होते हैं जैसे कि क, ये हमारा आधा अक्षर होता है, लेकिन जब हम इसके साथ आ मिला देते हैं तो ये हमारा क बन जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो आ होता है वैसे तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये जो आ होता है ये हर स्वर के साथ हर व्यंजन के साथ जुड़कर बना होता है। तो आप ख लिखेंगे, आप बोल के देखिए कि ख आप बोलते हैं तो ख के पीछे भी आ की आवाज आ रही है, ग ग के पीछे भी आ की आवाज आ रही है। तो इसी तरीके से हम जो हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं वो आ स्वर से जुड़कर बने होते हैं। इसके बाद अब हम आ की मात्रा पे आते हैं। जो हमारा आ से आम होता है या हम आ बोलते हैं इसको, तो आ की जो मात्रा होती है वो होती है एक डंडे वाली। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि तो आ की मात्रा जो होती है वो एक डंडा होती है। जैसे कि हम का में हम आ को जोड़ दें तो हमारा बन जाता है का। क में हम आ को जोड़ दें तो हमारा बन जाता है क। इस तरीके से अगर हम खा में आ को जोड़ दें तो हमारा ये बन जाता है खा। तो आपने देखा कि अ और आ दोनों में क्या फर्क आया हमारा। हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं वो आ स्वर से मिलकर बनते हैं। उसके बाद जो हमारा बड़ा आ होता है इसकी मात्रा हमारी एक डंडा होती है। अगर हम किसी भी व्यंजन के पीछे आ की मात्रा लगा देते हैं तो हम उसको थोड़ा जोर से लाउडली मतलब बोल के बताते हैं बच्चों को कि क क पे आ की मात्रा तो का, ख ख पे आ की मात्रा तो खा। तो इसी तरीके से हम और शब्दों को भी देखेंगे कि इनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, देखिए जैसे क ये प्लस का साइन है, अगर हम का में आ को जोड़ दे आ क में आ को जोड़ दे तो ये का बन जाता है। म मा में हम आ को जोड़ दे तो ये मा बन जाता है। द द में अगर हम आ को जोड़ दे तो ये दा बन जाता है। ऐसे ही ल ला में हम आ को जोड़ दे तो ला। ह में आ को जोड़ेंगे तो हा। थ थ में आ को जोड़ेंगे तो था। इसी तरीके से आप और जो हमारे व्यंजन है उनमें भी आप आ की मात्रा जोड़ेंगे तो उनका साउंड चेंज हो जाता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप इनको किस तरीके से बोलकर पढ़ेंगे। अब हम इनको जोड़कर लिखना सीखते हैं कि अगर हम क में आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा और उसके बाद हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि क, सॉरी ये पेन थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। क क में आ की मात्रा या आ का डंडा का, र कार। देखिए अगर मैं क और र लिखती हूं तो हम इसे पढ़ेंगे कर, क र कर। लेकिन अगर क में आ का डंडा लग जाता है तो हम इसे पढ़ेंगे का र।
र को तो हम र ही पढ़ेंगे क्योंकि र के पीछे तो आ का डंडा है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे पढ़ेंगे कार। ऐसे ही ब, ब में आ का डंडा लग गया, आ की मात्रा लग गई, तो बा ल, बाल। अगर मैं आ की मात्रा हटा दूं तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ब ल, बल। तो ये आपका बल बना, लेकिन ब में अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो ये हमारा बा बन जाएगा, तो बा ल, बाल। ऐसे ही द, द में आ का डंडा, दा ल, दाल। म, म में हमने टाको, म के बाद हमने टाको लिखा, फिर हमने काको लिखा और फिर हमने आ का डंडा लगाया, तो म ट का। और आप इसमें से आ का डंडा हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? मटक। ये मटक बन जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई मात्रा आई ही नहीं है। ऐसे ही अगर आप दाल में भी द में आ का डंडा हटा दे तो ये द ल, दल बन जाएगा, लेकिन हम तो आ की मात्रा सीख रहे हैं तो इसलिए हम इसमें आ की मात्रा लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे दाल। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है अ, च, च के बाद आ का डंडा र, तो आपका क्या बन गया? अ चार, अचार। अ चार, अचार। ऐसे ही च, च में आ का डंडा जोड़ा तो चादर, चादर। चादर, चादर। ऐसे ही आगे देखिए अ, ख, ब, ब के साथ आ का डंडा जुड़ गया, आ की मात्रा जुड़ गई, अ ख बार, अखबार। तो ये हमारा अखबार बन गया। देखिए जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम शुरू में बच्चों को इस तरीके से ही समझाते हैं कि इसमें आ का डंडा लग गया है या आ की मात्रा लग गई है, लेकिन जब बच्चे इनको थोड़ा बोलना सीख जाते हैं तो हम बार बार उनको आ का डंडा या आ की मात्रा नहीं सिखाते हैं। हम उनको डायरेक्ट ऐसे कहते हैं कि जैसे कि च है, मान लो च है, च पे आ का डंडा लग गया तो ये सीधा चा पड़ा जाएगा, ना कि च, च के बाद आ का डंडा। तो ऐसे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते, लेकिन आप पहले बच्चों को इसी तरीके से सिखाएं और जब बच्चे थोड़ा बोलना सीख जाए, इन अक्षरों को पढ़ना सीख जाए, समझ जाए, तो उसके बाद आप इनको डायरेक्ट चा बोलना सिखाएं। स, र, क, क के पीछे आ का डंडा, का, र, सरकार। र, कार, सरकार। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से जोड़कर आ की मात्रा के शब्द हमने लिखे। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाना सबसे आसान तरीका है, बच्चे जल्दी से सीख भी जाते हैं और उन्हें उनको जोड़कर लिखना भी आ जाता है। तो अब ऐसे ही आ की मात्रा के बहुत से शब्दों को हम पढ़ेंगे ताकि हम आ की मात्रा के शब्द अच्छे से पढ़ना सीख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार, कार। बाल, बाल। माल, माल। साल, साल। पहले आप बच्चों को इस तरीके के शब्द ज्यादा सिखाएं जिनके पीछे सेम सेम आवाज वाले वर्ड आते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा बाल, माल, साल। तो ये बच्चे जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सेम सेम से ही वर्ड बोल रहे हैं, बस आगे का आपका चेंज होता है, बाकी के पीछे के वर्ड सेम रहते हैं। तो ऐसे ही हम आगे के और शब्द पढ़ते हैं। का, का, काका। मा, मा, मामा। चा, चा, चाचा। दा, दा, दादा। आ की मात्रा जो होती है इसमें हमारा मुंह जो है थोड़ा बड़ा खुलता है और हम थोड़ा जोर से बोलते हैं, पूरा मुंह खोल कर बोलते हैं, तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आता है कि हम आ की मात्रा कैसे बोलें और कैसे पढ़ें। तो बा, जा, बाजा। रा, जा,
राजा छाता, छाता ताला, ताला चादर, चादर चावल, चावल बादल, बादल सागर, सागर। आपने देखा कि जब भी हम आ की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुंह अपने आप ही बड़ा खुल रहा है, लेकिन जिन भी व्यंजन में आ का डंडा नहीं लगा हुआ है उस पे हमारा मुंह एकदम सिंपल, जैसे हम चर प न बोलते हैं वैसा ही खुल रहा है। तो यही फर्क होता है आ की मात्रा में और आ में। कहाँ थे हम, सागर तक शायद हमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं। ना ट क, नाटक पा प ड़, पापड़ म ट का, मटका स र ला, सरला घा य ल, घायल पा य ल, पायल ल ड़ का, लड़का अ नार, अनार अ चार, अचार गाजर, गाजर च र खा, चरखा म ट का, मटका त ल वार, तलवार स ल वार, सलवार अ ख बार, अखबार स र कार, सरकार आसमान, आसमान पाठ शाला, पाठ शाला समाचार, समाचार। तो इस तरीके से हमने देखा कि आ की मात्रा कैसे लगाते हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं। एक मिनट। तो अब हम बुक की सहायता से भी आ की मात्रा के शब्द पैराग्राफ में पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, राजा, राजा बाजार, बाजार जा, राजा बाजार जा, बाजार जा कर गाजर ला, राधा गाजर का हलवा बना, गाजर गाजर व टमाटर का सलाद बना, आम का अचार रख, माता का कहना मान, भगवान का भजन कर। कमला कागज ला, कागज लाकर नाव बना, नाव बना कर जल पर चला, मामा आया बाजा लाया। तो हमने बुक की सहायता से भी आ की मात्रा को पढ़ना सीखा और देखा कि किस तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं। अब एक छोटी सी कविता है आ की मात्रा के शब्दों की, वो भी मैं आपको पढ़वा देती हूँ ताकि आप आ की मात्रा की कोई कविता भी सीख जाएं। तो शुरू करते हैं। काला काला आया बादल, क्या पढ़ेंगे, काला काला आया बादल, आसमान पर छाया बादल, जमकर जल बरसाया बादल, आशा आओ कमला आओ, अपना अपना कागज
लाओ, कागज लाओ, नाव बनाओ, जल पर अब नाव चलाओ। तो आपने देखा हमने कितनी अच्छी एक कविता सीखी, वो भी आ की मात्रा के शब्दों से। तो आप इसी तरीके से इन सारे शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस कविता को याद करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये पोएम कैसी लगी। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो। तो हमने आ की मात्रा के शब्द सीखे और एक अच्छी सी पोएम भी याद की। तो अब मैं आपको आपसे दोबारा से इन शब्द इनमें पूछूंगी आ की मात्रा के शब्दों में कि आपने इनकी रिवीजन की या नहीं की, आपने इनको अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो मैं आपसे पूछती हूँ और आप 5 सेकंड का टाइम लेके इसको अच्छे से पढ़ के और मेरे को जवाब देंगे कि आपने ये अक्षर जो है मेरे आ की मात्रा के इनको सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो ये देखो जैसे लिखा हुआ है रा जा राजा, तो आप मुझे बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं लाइन अंडरलाइन करके पूछती हूं कि ये क्या लिखा हुआ है। मैडम जी चाटक। देखिए बेटा ये जो हमने ये जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा देखो नाटक, नाटक। तो जैसे मैंने पढ़ा क्या आपने भी वैसे ही पढ़ा था? आपने कोई पढ़ने में गलती तो नहीं की? अगर गलती की है तो मैं दोबारा से आपको ये एक बार पढ़वा देती हूँ अच्छे से और आप इसको दोबारा से अच्छे से याद कर लेना। तो मैं बीच में से कुछ कुछ वर्ड आपको पढ़वा देती हूँ। वैसे तो मैं पूरा आपको अच्छे से पढ़वा ही चुकी हूँ पहले, लेकिन बीच में से कुछ और पढ़वा देती हूँ। बा जा, जैसे कि बा जा बाजा, पा प र पा, म ट का मटका, गाजर गाजर, अख बार अखबार, स मा चार समाचार। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो हिंदी से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड ला सकूँ, ताकि आप आसानी से हिंदी और इंग्लिश सीख पाएँ। तो इसी के साथ बाय बच्चों।